नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। दो दिन पहले मुंगेर में एक घटना घटी थी। घटना यह थी कि वहां पर पुलिस जबरन मूर्ति विसर्जन कराने चली थी, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन पुलिस ने उनके विरोध के खिलाफ कार्रवाई की और जमकर लाठियां बरसाई, यहां तक कि गोलियां भी चली और उसमें उस समय एक युवक की जान चली गई थी। अब उसके बाद वहां के जो ग्रामीण थे उन्होंने वहां की SP लिपि सिंह के खिलाफ, जो वहां के DM है, उनसे सस्पेंड करने की बात कही, लेकिन अभी तक लिपि सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि लिपि सिंह भी अभी तक उस पर खामोश ही हैं, लेकिन अब ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर देखिए आप, यह तस्वीर है लिपि सिंह के ऑफिस की और वहां पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया है और वहां पर मौजूदा गाड़ी जो है उस पर उसको तोड़फोड़ की है। इसके अलावा अन्य जो थाने हैं वहां की गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया है और जमकर नारेबाजियां भी की है लिपि सिंह के खिलाफ। और उन्होंने कहा है कि लिपि सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाए और वहां के दंड जो अधिकारी हैं वो उन्हें तुरंत सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है अब तक। और इसको लेकर मुंगेर के जो निवासी हैं और मुंगेर के जो स्थानीय लोग हैं वो जमकर हंगामा किए हुए हैं। यहां तक उन्होंने कोतवाली जो वहां का है उसका पूरा घेराव कर दिया था और उसके बाद से यह जो घटनाक्रम है और ज्यादा लगातार कहा जा सकता है कि यह फैलता जा रहा है। इसकी आग जो है, जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो घटना घटी थी उसकी आग बुझते नजर नहीं आ रही है, बल्कि यह और ज्यादा फैलते नजर आ रही है। यह तस्वीर आप देख रहे होंगे और यह तस्वीरों में उठता धुआं आपको बहुत कुछ वहां की कहानी बयां करा दे रहा होगा कि मुंगेर में फिलहाल क्या स्थिति है। मुंगेर में आपको बता दें कि कल चुनाव भी हुआ था पहला फेज का और वहां पर पूरे बिहार में पहले फेज के पहले चरण के चुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई है, 50% से भी कम वोटिंग हुई है। 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें 52% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम के वजह से ही वहां पर चुनाव जो है इस बार प्रभावित हुआ है और वहां पर वोटिंग जो है वो कम हुई है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हंगामा हुआ था उसका कारण था कि वहां के लोगों का कहना था कि यहां का जो परंपरा है मूर्ति विसर्जन का, उसमें है कि पहले बड़ी माता की मूर्ति विसर्जित होती है उसके बाद छोटी माता की मूर्ति विसर्जित होती है, लेकिन पुलिस ने जबरन मूर्ति विसर्जन कराने का प्रयास किया। वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं है, आप हमारे परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं। इसके बाद क्या किया गया, आप तस्वीर में अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो में देखिए कि पुलिस जो है किस तरह से वहां के जो मौजूद लोग थे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, उसके बाद फायरिंग होती है और उसमें एक युवक की जान चली जाती है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। लेकिन बाद में जब आरोप लगता है पुलिस पर तो पुलिस कहती है कि उसने कोई भी फायरिंग नहीं की, बल्कि फायरिंग जो है वो भीड़ के तरफ से की गई थी और जो गोली लगी, जो जिसकी जान गई, वो भीड़ के तरफ से फायरिंग जो हुई थी उसमें गई है। इसके बाद पुलिस के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं पुलिस जो है वो इसे मुकरते नजर आ रही है। यहां तक कि आपको बता दें कि प्रशासन ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है और जांच जो है वो क्या कुछ होता है, इसमें क्या रिपोर्ट आती है, देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मुंगेर की SP लिपि सिंह के खिलाफ वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और ये तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि फिलहाल मुंगेर की स्थिति क्या है, आगे क्या कुछ होता है मुंगेर में, ये पूरी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।